हर दिन नए नए खुलासों ने दिल्ली पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर कई सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। वारदात के फौरन बाद बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अंजलि केस को हादसा बता दिया, हल्की धाराओं में केस दर्ज किया, न टाइम पर अंजलि का पोस्टमार्टम कराया। फंसने के बाद अब दिल्ली पुलिस खुद को बचाने के लिए तरह तरह के जतन करने में जुट गई है। तो क्या इसी दांव का हिस्सा है 60 घंटों के बाद निधि का दुनिया के सामने आना? अंजलि अब इस दुनिया में नहीं। आखिरी बार अंजलि के साथ स्कूटी पर मौजूद नई नवीली दोस्त निधि खुद सवालों के घेरे में। वही 1 जनवरी के 5 जल्लादों पर दिल्ली पुलिस अब तक कुछ बोलने को तैयार नहीं। अगर आप दिल्ली पुलिस की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और निधि के बयान का मिलान करके देखें तो कुछ बातें चौंकाने वाली है। मतलब दिल्ली पुलिस और निधि के बयान एक जैसे, या यूं कहें जो दिल्ली पुलिस बोल रही है वही निधि ने दोहरा दिया। यहां आपको याद रखना है कि दिल्ली पुलिस ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों का वक्त जोड़े तो 8 मिनट दिल्ली पुलिस बोली, लेकिन 5 जल्लाद नशे में थे या नहीं इस पर एक शब्द नहीं बोली। केस में हादसे वाली थ्योरी के अलावा साजिश की कोई संभावना है इस पर भी एक शब्द नहीं बोली। अगर निधि के बयान को सुने तो सारांश यही है कि मामला हिट एंड रन का है, सुनियोजित साजिश की कोई संभावना नहीं। अंजलि तो बहुत ज्यादा शराब के नशे में थी। दोनों के बयानों का निष्कर्ष एक है, मामला हादसे का है, यानी कहानी वही पहुंच गई जहां से दिल्ली पुलिस ने शुरू की थी। कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है, जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्राइव किया, काफ़ी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। उस रात ये हुआ था कि जैसे कि गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई, मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई, तो गाड़ी के नीचे कहीं उसका पैर या कुछ उसका फंस गया था, तो फंसने के बावजूद वो निकल ही नहीं पाई, तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करी 2-3 बार, लड़की रो रही थी, उन्होंने सुना नहीं, वो चिल्लाते चिल्लाते लड़की को ले गए आगे खींचकर, लेके गए आगे खींचकर, फिर पीछे करा, फिर खींच के, फिर खींचते खींचते उसे वहां तक ले गए लड़की को। और बस यही था जहां का एक्सीडेंट हुआ था, सीन यही था। सोचिए कितनी आसानी से निधि ने पूरे केस की फाइल को बंद करने वाला बयान दिया, जैसा दिल्ली पुलिस ने दिया था। खुद को अंजलि की सहेली बताने वाली निधि से जुड़ी दोनों पहेली सुलझनी जरूरी। पहेली नंबर 1, हादसे के वक्त मौजूद निधि अपनी दोस्त को मौका वारदात से छोड़कर क्यों भाग गए? क्यों निधि ने फौरन दिल्ली पुलिस को वारदात की इत्तला नहीं दी? अगर निधि दोस्त है तो भला कोई दोस्त अपनी ही आंखों के सामने उसे तड़प तड़प कर मरने को कैसे छोड़ सकती है? जबकि अगर वो बचाने की कोशिश करती तो शायद अंजलि आज जिंदा होती। दूसरी पहली यह है कि हादसे के 60 घंटों तक क्यों निधि गायब रही और 60 घंटों तक पुलिस उसे खोज क्यों नहीं सकी? इन दोनों सवालों के जवाब में निधि ने जो कहानी सुनाई वो गले नहीं उतर रही है। बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। तो 2 दिन बाद पुलिस ने पूछा तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया, ऐसे ऐसे हादसा हुआ था, ऐसे ऐसे उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ और उस दौरान मैं बच गई, किस्मत इतनी अच्छी मैं बच गई और वो लड़की उस हादसे की शिकार हो गई। सामान्य हालात में ऐसा नहीं होता है जैसा निधि कैमरे पर बयान कर रही थी, तभी तो अब निधि की भूमिका की जांच की भी आवाज उठने लगी है। जो भी दोषी हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सवाल इस वीडियो में भी है। दावा यही है कि हादसे के बाद निधि सीधे अपने घर पहुंची, वहां पर एक लड़का साथ में नजर आया था। घर के बाहर आग जलाकर उसका लेकर उसका भी था। ठीक है। तो मैंने देखा 2:30 बजे आई थी वो, पहले उन्होंने अपना मतलब गेट खटखटाया, मम्मी को आवाज मारी, तो उसके मम्मी ने मतलब गेट खोला, गेट
तो उन्होंने मेरे से पूछा निशान तेरे पास सीटअप चार्जर है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने बोला मेरा फोन चार्जिंग लगा, तो मैंने उसका फोन ला के चार्जिंग पे लगा दिया। बस मैं लगाकर बाहर ही आया था, इतने में उसके मैंने गेट खोल दिया। तो उन्होंने को जल्दी मेरा फटाफट फोन ला के दे दिया, कॉल कर दिया। निधि सब जानती है, लिहाजा उससे जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी की वजह भी है। 60 घंटे तक गायब रहने की कई वजह हो सकती है। पहली आशंका, निधि को पूरा मौका मिला, क्या बताना है क्या छुपाना है। दूसरी आशंका, पूरे मामले में खुद को निर्दोष साबित करने की प्लानिंग। तीसरी आशंका, केस को कमजोर करने के लिए निधि को अपने हिसाब से बुलवाने का पूरा मौका। अंजलि के परिवार को निधि के बयान पर रत्ती भर एतबार नहीं। घर वालों का यही दावा है कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या हुई है, यह हादसे का केस नहीं। अब निधि सच बोल रही है या झूठ, तभी पर्दा उठेगा जब 60 घंटों की पूरी हिस्ट्री सामने हो। मतलब ये कि हादसे के बाद 60 घंटों तक निधि की बातचीत किन लोगों से हुई, निधि की कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए, निधि कहां कहां गई, किन लोगों से मुलाकात की। अगर हादसे के बाद और बयान से पहले के 60 घंटों की मिस्ट्री से पर्दा उठे तो निधि के बयान का पूरा सच दुनिया के सामने होगा। हर क्रिमिनल केस में आई विटनेस का बयान केस को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई विटनेस की जो बयान की एडमिसिबल वैल्यू है वो तो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने ही है, मीडिया या पुलिस के सामने आई विटनेस का बयान मान्य नहीं है। अंजलि केस में अभी सस्पेंस से पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि केस से जुड़े किरदारों पर बड़ा कंफ्यूजन है। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।